देश से बीमारी मुक्त होने का नाम नहीं ले रही। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी अपना पैर पसार रही है। अब MSIC नाम की नई बीमारी बच्चों पर कहर बरपा रही है। जिला पानीपत के मॉडल टाउन स्थित रेनबो अस्पताल में इस बीमारी से ग्रस्त 3 बच्चे दाखिल किए गए हैं, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश अरोड़ा ने बताया कि इन तीनों में से एक चीज मिलती जुलती है, इनके परिवार में किसी को कोविड के लक्षण थे या फिर बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हों। उन्होंने बताया कि इस तरह के केस अधिकतर बच्चों में ही देखे जा सकते हैं, जो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। फिलहाल 3 केस आए हैं जो रिकवर कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों में सिरदर्द, लाल दाने, उल्टी, तेज बुखार, आंखों में लाली और पैरों की त्वचा में सूजन या सांस लेने में तकलीफ होना आदि लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। फिलहाल इन तीनों केसों के बारे में पूरी जानकारी पानीपत के सामान्य अस्पताल को भेजी जा चुकी है। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर गिरीश अरोड़ा रेनबो हॉस्पिटल से चीफ पीडियाट्रिशियन हूँ। MISC बेसिकली एक शॉर्ट टर्म है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ये नॉर्मली जो समझिए एक तरह का पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, कि ये वो उन बच्चों में देखा जाता है कि जिनका कोविड वायरस को एक्सपोजर पिछले 1 से 3 महीने में ऑलरेडी हो चुका है। उस टाइम पे हो सकता है इन बच्चों में कोई सिम्टम ना आए हो, या हल्का फुल्का फीवर होके ठीक हो गया हो, और बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इनके RT-PCR या कोविड के टेस्ट भी नहीं होते, क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं थे इन बच्चों में। लेकिन अब वो सिम्टम्स 1 से 3 महीने के बाद जब ये बच्चों में इस तरह का ये MISC के रूप में आता है, और फिर हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि बच्चे का ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है। और प्रॉपर हिस्ट्री लेने पे कहीं ना कहीं फैमिली में या तो किसी को मिलेगा, या बच्चा किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में कभी ना कभी आया होगा। तो बेसिकली इसमें 2-3 बातें हैं जो पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस और बढ़ने वाले हैं, और स्पेशली ये प्रॉब्लम देखी भी बच्चों में जाती है, बड़ों में बहुत कम रिपोर्टेड है। बड़ों में इसका नाम MISA है, बच्चों में MISC है, लेकिन ज़्यादातर केसेस बच्चों में हैं। तो पहली बात तो ये कि जब ये प्रेजेंट करता है, उस टाइम तक बच्चा नॉन इन्फेक्टिव होता है, वो कोविड में किसी को फैला नहीं सकता, वो कोविड हो क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके अब सिम्टम्स अब सामने आ रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर केसेस में बुखार, पेट में दर्द, उल्टी दस्त, आँखों में लालीपन, आँखों में सूजन, शरीर पे लाल तरह के छोटे छोटे दाने या रैशेज आना, और दिल की धड़कन तेज़ होना, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर टाइमली इनको हम पहचान सकें इन सिम्टम्स को, और टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, तो काफ़ी हद तक ये बच्चे बहुत जल्दी अर्ली स्टेजेज में बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अदरवाइज इसमें जो सीरियस क्रिटिकल जो पोजीशन आ जाती है, वो तब आती है अगर हार्ट, किडनी या लीवर जैसे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं। उस केसेस में बच्चे की पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, जिसमें कि संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाए। सर, कितने केस रिपोर्ट हुए अभी तक? हमारे पास अभी तक 3 केसेस आए हैं जो कन्फर्म्ड हैं, और इन केसेस को हमने सिविल अथॉरिटीज़ को भी रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी तक उनके पास भी, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि इनकी रिपोर्टिंग का क्या करना है। बट वो तीनों बच्चे रिकवर कर रहे हैं, और उनमें से 1 की आज डिस्चार्ज भी हो रहा है, बाकी 2 का भी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 दिन में उनका डिस्चार्ज हो जाएगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।